सो हे गाइस, कैसे हो? वेलकम बैक अ न्यू वीडियो। एंड गाइस, आज की जो ये वीडियो है ये होने वाले रिमांडेड सब्सक्राइबर के लिए। तो गाइस, ये जो वीडियो है ये मेरे को एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि लाइब्रेटी सिटी के ऊपर एक मोड की वीडियो बनाओ जहाँ पे हम जो है जीटी सैन एंड्रियास के अंदर लाइब्रेटी सिटी को जो एक्सप्लोर कर सके। और वो जो कमेंट था वो मेरे को बहुत पहले आया था, लगभग आज से एक दो हफ्ते पहले। एंड मैंने उसका रिप्लाई दिया भी था कि लाइक मैं ज़रूर बनाऊँगा, बट आपको पता है कि बाद में एकदम से लाइक बिजी हो गया मैं तो नहीं बना पाया। एंड फाइनली आप काफ़ी दिनों बाद जब मैंने कमेंट्स को रीड हर एक कमेंट को अच्छे से रीड करना चालू किया, उसके बाद मेरे को ये कमेंट दिखाई दिया कि लाइब्रेटी सिटी मोड इंस्टॉल करने का क्या ट्यूटोरियल है। देन मेरे को आइडिया आया कि इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। एंड गाइज, यही चीज़ सबसे ज़्यादा बेहतरीन एडवांटेज दे सकती है आपको कि आप जो है मेरे को कमेंट कर सकते हो जो भी आपका फेवरेट मोड हो, जो आप चाहते हो जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, आप उसी मोड का नाम लिख दो एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा उस वीडियो को बनाने की। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी ये जो वीडियो बनाई है सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट से, मोस्ट ऑफ द जो वीडियो होती है वो सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट से बनती है ताकि जो सब्सक्राइबर की डिमांड है वो पूरी हो सके एंड उनको इस चैनल पर हर एक चीज़ मिल सके जो उनको चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली आज की जो वीडियो होने वाली है आपके होने वाली जीटी सैन एंड्रियास के लिए, हाउ टू इंस्टॉल लिबर्टी सिटी मैप इन योर जीटी सैन एंड्रियास एंड्रॉइड। तो गाइज, जैसा कि आपको पता है कि मैंने GTA 5 के अंदर लिबर्टी सिटी मोड इंस्टॉल किया था एंड किस तरीके से इंस्टॉल किया था उसकी भी वीडियो भी आएगी। GTA 5 के भी मोड में अपलोड करना स्टार्ट करूंगा जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। सो वो तो अभी आगे की वीडियोज है, बट अभी की जो ये करंट वीडियो है इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि लिबर्टी सिटी को किस तरीके से ऐड कर सकते हो। बहुत ही कम इसका साइज रहने वाला है और कहाँ पे आपको इंस्टॉल करना रहेगा, कहाँ पे आपको जाना होगा जहाँ पे आप सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो, वो सब चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। गाइस, वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है लेकिन आपको देखनी होगी क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए इफ यू वॉन्ट टू इंस्टॉल दिस मोड ऑन योर एंड्रॉइड डिवाइस। सो गाइज, आज की जो ये वीडियो है कंप्लीट देखते रहिए एंड बिना किसी बकवास के हम करेंगे इस वीडियो को स्टार्ट। सो लेट्स गो टू दी डायरेक्ट इंस्टॉलेशन। गाइस, सबसे पहले आपको फाइल है वो है डाउनलोड करनी है लिबर्टी सिटी जीटी सैन एंड्रियास एंड्रॉइड के नाम से, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, को डाउनलोड नाउ, एक्सट्रैक्ट करो, एक्सट्रैक्ट है जल्दी हो जाएगा। 1 MB की भी फाइल नहीं है, 1 MB से भी कम है। फोल्डर ओपन करोगे तो 2 फोल्डर मिलेंगे, पेस्ट इन एंड्रॉइड डाटा, उस पर जाओ, आपको फोल्डर मिलेगा कॉम्प्यूटर रॉकस्टार गेम डॉट जीटीएस से, कॉपी अगर जो करना चाहो कर लो। ठीक है, कट कर लेता हूँ। डिवाइस मेमोरी एंड्रॉइड डेटा एंड देन पेस्ट है गाइस, दैट्स इट। यहाँ पे पेस्ट कर दो अपने फोल्डर को एंड जो प्रीवियस फोल्डर है उसको यहाँ से कॉपी करके जो है किसी दूसरी साइड पे आप जो है पेस्ट कर सकते हो। देन आप यहाँ पे सेकंड फोल्डर ओपन करना है A2 GTA 3 IMG। ओके, हाँ, तो ये वाली जो फाइल आपको अपने GTA IMG टूल में इंपोर्ट करनी है, कैसे करनी है वो बताता हूँ। IMG टूल ओपन करो, उसके बाद में एंड्रॉइड का फोल्डर यहाँ पे आपको दिख जाएगा, उसको ओपन करो, डेटा में जाओ, com.rockstargame.gts का फोल्डर यहाँ पे फाइंड आउट करो। सो यहाँ पे है एंड्रॉइड का, कहाँ गया, ओके ये रहा, फाइल्स में जाना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे जाना है TXDB में, TXDB में जाने के बाद में आपको जाना है यहाँ पे GTA 3.img में, क्लिक करो, ऊपर 3 बटन पे आपको क्लिक करना है, 8 file with replace पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको बैक आना है एंड अगेन आपको बैक आना है, आपको जाना है डाउनलोड के फोल्डर में, लिबर्टी सिटी के फोल्डर में, सेकेंड फोल्डर है 2 GTA 3 IMG, इसको सेलेक्ट कर दो, यहाँ से सेलेक्ट के बटन पे क्लिक करो एंड देन उसके बाद में यहाँ पे आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको 3 बटन पे क्लिक करके रिबिल्ड कर देना है। दैट्स इट गाइज, रीबिल्ड कर देना है एंड और कुछ नहीं करना है। आपका जो मोड है वो सक्सेसफुली आपके गेम के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। आप जैसे ही अपना गेम करो ओपन करोगे, अब डाउट ये आता है कि भाई हम उस लोकेशन पे आखिर कैसे जाएं। तो लोकेशन पे जाने के लिए आपको यहाँ पे जो है इमेज दिख रही होगी, सी ये इमेज जो आप देख रहे हो वीडियो के ऊपर आपको दिखाई दे रही होगी, तो ये जो इमेज है यहाँ पे आप देख सकते हो आपको किस साइड पे जाना है। आपको नीचे जो है एयरपोर्ट साइड में जाना है। ठीक है, एयरपोर्ट साइड में आपको जाना है। सी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ एयरपोर्ट साइड में एंड यहाँ पे आपको जो है इस गेट से एंट्री लेनी है। सी अब मैं इस गेट से जो है यहाँ पे एंट्री लूंगा, अब आप देखना है यहाँ पे इस गेट से मैंने एंट्री ली एंड सी गाइस, आपकी जो लिबर्टी सिटी है आप एंटर हो चुके हो, आपकी जो लिबर्टी सिटी है पूरी की पूरी आ चुकी है एंड अब यहाँ पे आप फ्लाइंग करके जो है पूरी की पूरी सिटी को जो है विजिट कर सकते हो। एंड गाइस, एक और बात बता दूं कि ये जो सिटी है ये पूरी प्रॉपर वे में नहीं है, मैं पहले ही बता दूं आपको ये पूरी प्रॉपर वे में नहीं होगी सिटी, लेकिन आप जो है इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, यहाँ पे आपको कुछ पीपल भी देखने के लिए मिल जाएंगे तो आपसे भी आप उनसे भी मीट कर सकते हो। एंड उसके अलावा यहाँ पे आपको जो है कोई भी
व्हीकल आपको अपने मैप पे नहीं देखने मिलने वाली, तो ये भी थोड़ा डिसएडवांटेज है। लेकिन हाँ, नया नया मैप है तो सब चीज़ें एंड टू एंड नहीं मिल जाएगी, बट हाँ धीरे धीरे टाइम लग सकता है। मे बी इसका जो डेवलपर है वो पूरा का पूरा जो मैप है वो कंप्लीट क्रिएट कर दे, का जो डेवलपर है वो पूरा का पूरा जो ये मैप है कंप्लीट कर दे। सो मे बी कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल ये जो मोड है मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि ऐसा का ऐसा ही मैप जो है मैंने GTA 5 के अंदर इंस्टॉल किया था। हालांकि उसका तो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया था, लेकिन यार वो तो आप समझ रहे हो ऑनलाइन गेम, मतलब वो पूरा ओरिजिनल गेम है एंड ये जो है GTA San Andreas आपका एंड्रॉइड गेम है, तो टेक्नोलॉजी का बहुत फर्क है। बट हाँ यार, धीरे धीरे इसका अगर डेवलपर अगर ट्राई करता है पूरा डेवलप करने का, तो गाइस मैं जरूर इसको अच्छे से अपलोड करूंगा। एंड अभी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, पूरी लिबर्टी सिटी का मैप जो है घूम सकते हो, देख सकते हो पूरी लिबर्टी सिटी को अपने GTA San Andreas एंड्रॉइड के अंदर फ्लाइंग करते करते, बहुत मजा आएगा। आप देख सकते हो कि सिटी जो है किस तरीके की दिखती है और कैसी लगती है दिखने में, क्या क्या चीजें वहां पे होती है, तो आप बहुत सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हो। बहुत सारी चीजें आपको नई नई देखने के लिए मिलेगी GTA San Andreas के अंदर एंड न्यू मैप इंस्टॉलिंग के ऊपर। ये सबसे पहली वीडियो है मेरे चैनल के अंदर, सो आई होप कि आप सपोर्ट दोगे। एंड अगर आपको अच्छी वीडियो लगेगी तो प्लीज सब्सक्राइब करना, क्योंकि डेली वीडियो जो है मोड से रिलेटेड आती रहती है, चाहे ग्राफिक्स मोड, चाहे स्पोर्ट्स कार मोड पे को या फिर कोई और मोड पे को। सब्सक्राइबर की डिमांड की मोड ज्यादा आते हैं, तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो। कमेंट अगर आप करते हो तो आपका फेवरेट मोड की वीडियो जल्दी और जरूर बनेगी, ठीक है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं लूँगा, 7 मिनट तक या 7 to 8 मिनट तक, लाइक इतना एवरेज सही है वीडियो, ठीक है, इससे ज़्यादा मैं लंबी नहीं लूँगा, ठीक है। एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन एंड बाय।